एंड वेलकम टू हिडन ट्रेजर। और आज मैं आपके लिए एक दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, बट ये कोई आम दाल नहीं है, ये है दाल बुखारा। जी हाँ, दाल बुखारा विच इज फुल ऑफ फ्लेवर्स, मक्खन एंड क्रीम। और आज हम उसको वही रेस्टोरेंट स्टाइल मखमली सा टेक्सचर देंगे, बिना उसको 12-15 घंटे काढ़े हुए, विद दीज ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माइंड। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी एंड चेक आउट द इंग्रेडिएंट। सो फॉर दिस दाल मखनी हमें एक कटोरी माँ की साबुत दाल चाहिए होगी, और मैंने उसको पहले से ही धो के रख लिया था। और ये एक कटोरी दाल है जो मैं कुकर में डालूँगी, इसके साथ आधा जग पानी जाएगा। पानी खुला डालिएगा, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो ये आधा घंटा जो दाल गैस पे बननी होती है वो नीचे चिपक जाएगी, जल जाएगी आपकी। और इसके साथ ही मैं अब इसमें खड़े गरम मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने एक बड़ी इलायची, दो तेज पत्ते और लौंग डाले हैं। तेज पत्ते खड़े ही डालेगा, तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप बाद में उनको दाल में से निकाल सकते हो सर्व करते टाइम। और ये मैंने एक कटोरी टमाटो की प्यूरी डाली है, एक टमाटर को मैंने पीस लिया था। और ये प्याज, अदरक, लहसुन है, आधा प्याज था, 4-5 तुरी लहसुन की और थोड़ा सा अदरक था, इनको भी मैंने पीस के पेस्ट बना लिया है। और ये 1.5 चम्मच के करीब पेस्ट बना था, तो ये पेस्ट भी बीच में ही डाल दूंगी। और साथ में आधे चम्मच मिर्ची और आधे चम्मच नमक जाएगा। इस दाल में हल्दी नहीं डालते हैं। अब मैं कुकर बंद करके इसको फुल फ्लेम पे रख दूंगी, जब तक एक विसल आएगी, और उसके बाद आधे घंटे के लिए उसको स्लो पे छोड़ दूंगी। आधे घंटे बाद मेरी दाल बनके तैयार है, बट अभी इसका वो टेक्सचर नहीं आया है, अभी ये आधी रेडी हुई है। और अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में घी गरम किया है, गैस स्लो है, उसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर और आधी चम्मच ही दालचीनी पाउडर डाला है। और ये दाल मखनी मसाला है जो बाज़ार में रेडीमेड मसाला मिलता है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालते हो तो ट्राई करिएगा। और ये आधी चम्मच ही कसूरी मेथी डाली है, और ये 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची, देगी मिर्ची डाली है, जो अगेन उसको कलर बहुत अच्छा देती है तड़के के लिए। और इसको हम, अब मैंने हल्का सा तेज़ किया है गैस को और ये तड़का रेडी है, और मैंने दाल में डाल दिया था। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पहले काढ़ेंगे, और ये कड़ गई है। अब मैं इसमें चरनर चला दूँगी। पहले के टाइम पे मेरी दादी इसमें मधाणी चला के इसको मथ के टेक्सचर देती थी, बट अब वो टाइम तो है नहीं, तो इसमें हल्का सा 2-3 बार चरनर आप चलाएंगे तो आपकी दाल को बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा। और ये मैंने इसके बाद इसमें 1 चम्मच क्रीम डाली है। ये दाल मुझे खुद खानी है, इसलिए मैं इसमें क्रीम कम डाल रही हूँ और बटर भी नहीं डाला है। अगर आप अपने गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें क्रीम भी थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, और बटर भी आप इसमें 1 चम्मच साथ में ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। खैर, टेक्सचर तो इसका अभी भी बहुत अच्छा आया है एज़ यू कैन सी। और ये दाल बिल्कुल मेरी खोल गई है, और मेरी ये मखमली सी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तैयार है, और उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे निकल के आए हैं। उसमें दालचीनी और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। जस्ट चेक आउट द टेक्सचर गाइस, इट इज़ लुकिंग ऑसम एंड इट इज़ टेस्टिंग मोर देन ऑसम। आप इन दाल को अपने गेस्ट को नान के साथ, परौठों के साथ सर्व कर सकते हो, दे विल लव इट एंड आई एम श्योर ऑफ इट। So if you like the recipe, do hit the like button, comment below and subscribe the channel. Keep on watching and keep supporting guys. Thanks for watching.